नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप बाजरे का आटा लिया है। अब मैं इस आटे को अच्छी तरह से छान लूँगी। छानने के बाद अब मैं इसे एक बाउल में डालूँगी। बाजरे की रोटी खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा मिला लूँगी। मैंने यहाँ 1 कप गर्म पानी लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर चम्मच से मिला लूँगी। देखिए इस प्रकार से। हमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से गूंथ लूँगी। आटा गूंथ कर तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। अब मैं चटनी बनाऊंगी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 लाल मिर्ची, 2 हरी मिर्ची, थोड़े से धनिया के डंठल, 6 टमाटर और लहसुन लिया है। अब टमाटर को काट लेंगे। देखिए इस प्रकार से काटना है। सारे टमाटर काटने के बाद अब मैं इन सभी चीज़ों को कढ़ाई में डाल रही हूँ। धनिया के डंठलों को अभी नहीं डालना है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पकने दूंगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकने दूंगी। पाँच मिनट बाद मैं अब गैस बंद कर दूंगी और टमाटर के छिलकों को निकाल लूंगी। देखिए इस प्रकार से मैं सारे टमाटर के छिलके निकाल लूंगी। सारे छिलके निकल जाने के बाद अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे कलर और टेस्ट अच्छा आता है। इन सभी चीज़ों को अब हम मिक्सर जार में डालेंगे। देखिए अभी ये थोड़ा गर्म ही है। अब मैं इसमें धनिया के डंठल डाल रही हूँ। धनिया के डंठल डालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर जार में डाल दूँगी और इसे अब मैं पीस लूँगी। चटनी पीसकर तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। आप इस चटनी को 6 से 7 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इस चटनी में तड़का नहीं लगाया है, चाहे तो आप लगा सकते हैं। अब मैं इसमें ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालकर इसे सर्व कर लूँगी। देखिए चटनी बनकर तैयार है। अब हम आटे को खोलकर देखेंगे। देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसके बड़े से पेड़े बना लेंगे। हमें रोटी मोटी बनाना है, चाहे तो आप इसे पन्नी पे बना सकते हैं। बाजरे की रोटी किनारे से ज़्यादा फटती है, चाहे तो आप इसे फिलाते समय गेहूं का आटा मिला सकते हैं। मैंने यहाँ गेहूं का आटा नहीं मिलाया है। देखिए इस प्रकार से बना लेना है रोटी को। इस प्रकार हाथों से थपथपाते हुए फैला लेना है और जहाँ जहाँ किनारे पे रोटी फट रही है उसे हाथों से अच्छी तरह से ठीक कर लेना है। देखिए इस प्रकार से। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। ये रोटी जल्दी चिपक जाती है। अब बेलन से हल्का सा इसे बेल दूंगी। देखिए इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से बेलना है। अब मैं रोटी को निकाल लूंगी।
मैंने तवे को गर्म होने रख दिया है। देखिए तब तक मैं दूसरी रोटी तैयार कर रही हूँ। इस प्रकार से तवा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें रोटी डाल करके सेक लूँगी। अब मैं रोटी को 2 से 3 बार पलटते हुए सेक लूँगी। 2 से 3 बार पलटते हुए रोटी को तवे पर ही सेक लेना है, उसके बाद मैं इसे आग पर सेकूँगी। अभी मैंने रोटी को कम ही सेका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरी रोटी को भी तवे पर सेक लूँगी। इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ कोयले की सिकड़ी जलाई है, अब मैं इस पर रोटी सेक लूँगी। हमें इस प्रकार पलटते हुए रोटी को अच्छी तरह से सेक लेना है। इसी प्रकार मैं दूसरी रोटी को भी सेक लूँगी। आग में सेकी हुई रोटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी प्रकार मैं सारी रोटियों को सेक लूँगी। सर्दियों में गर्मा गर्म रोटी और चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सारी रोटी सीखकर तैयार है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।